वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरी जस कीर्तन राही आप सरवन कर रहे से बड़े सुंदर अंदाज देच और नवीन स्टाइल देच। थोड़ा जहा समाप जी का लेना, एक विचार चल रही सी गल, हूं एक हफ्ता हो गया। मनुख नू जड़ा मनुख कहिंदे ने, मनुष्य कहिंदे ने, मन करके कहिंदे ने। मन तो जो थले दी दुनिया है वो पशु है, मन तो जो उपर उठ जांदे ने उन्हां नू संत कहिंदे ने, भगत कहिंदे ने, ब्रह्मज्ञानी कहिंदे ने, ईश्वर दा रूप कहिंदे। मनुष्य विचकार है, पशु पछड़े हुए है। पशु का मतलब ही है जो पीछे, संत जो शिखर दे छोटी दे। ध्यान नाल सुनना, पशु सुख दे जी रहे, संत आनंद दे जी रहे, दुखी केवल मनुख, परेशान बेचैन केवल मनुख। कोई चिंतातुर है तो समझ लेना चाहिए मनुख, परेशान है मनुख, समस्यावां विच जी रहे है मनुख है, समाधि विच जी रहे है संत है। कोई समाजिक समस्या नहीं, कोई धार्मिक समस्या नहीं, कोई राजनीतिक समस्या नहीं, इन्हां समस्यावां तो थले जी रहे है पशु। पशु की कोई समाजिक समस्या नहीं, पशु की कोई राजनीतिक समस्या नहीं, पशु की कोई धार्मिक समस्या नहीं, किसी प्रकार की उहदे ते कोई जिम्मेवारी नहीं, सिवाय रिजक की तलाश करना, रिजक की खोज करना। इस तो इलावा उसकी जिंदगी का प्रयोजन कुछ भी नहीं। पशु सुख दे जी रहे, पूर्ण संत आनंद दे जी रहे, मनुख दुख दे जी रहे। तो दुख तो किवें छुटकारा होवे, मनुख हो के दुख तो छुटकारा नहीं हो सकता, दुख दे जीवना पै, मनुख होके छुटकारा नहीं, चिंतावां विच जीवना पैगा। मनुख होके छुटकारा नहीं है, समस्यावां विच जीवना पैगा। मनुख होण दा मतलब है बेड़ी सागर दे विच है, मझधार विच है। पशु होण दा मतलब है इन्हें बेड़ी सागर दे ठेली नहीं। संत होण दा मतलब है पार हो गया, पार हो गया, उसकी कोई समस्या नहीं, पार हो गया, उसके सागर तो पार हो गया। पशु उन्हें जिंदगी की बेड़ी सागर की ठेली नहीं है। मनुख यह मझदार विच है, तो लहरां टकरांदियां ते बेड़ी डोलदी है। लहरां की ने समस्यावां, एक समस्या हल नहीं हुई आती दूजी आ जाती, दूजी हल नहीं आती तीजी आ जाती है। रोज रोज जिंदगी छोटी हो जा होती जा रही है, रोज रोज समस्यावां वधदियां जा वधदियां जा, कभी बगौर मुताला कर। रोज रोज जीवन छोटा होता जा रहा है, रोज रोज समस्यावां वध रही हैं, समाजिक परिवारक आर्थिक शरीरक मानसिक और फिर धार्मिक ते राजनीतिक। पता नहीं कितनिया समस्यावां, कोई एक है सागर दे कोई एक लहर आती, कितनिया लहर, कितनिया लहर बेड़ी नाल टकरांदी है। भगत कबीर कहिंदे ने, कबीर गर्व ना कीजिए, रंक ना हसीए होए,
आज हो सोनाओ समुद्र में क्या जाना क्या हो अजे ते असी समुद्र विच पार नहीं होए पार हो गए तो फिर गल खत्म पार जो हो गया नू पार ग्रामी कहने कबीर कहने अजे ते जिंदगी दी बेड़ी सागर विच अजे ते समस्यावां ने तरह तरह दियां समस्यावां ने पशु की कोई समस्या नहीं वो समस्यावां तो थले जी रहे कोई समाजिक जिम्मेवारी नहीं कोई नूं उसने लैणी नहीं कोई धूप ही उसने देनी है कोई बच्चियां की समस्या नहीं कोई परिवारक समस्या कोई राजनीतिक समस्या नहीं ना कोई उसने नाम जपना है ना कोई सवेरे उठ के बंदगी करनी कोई उसकी धार्मिक समस्या भी नहीं समस्यावां तो थले जी रहे हैं पशु सुख दे जी रहे हैं समस्यावां तो ऊपर जी रहे हैं सन आनंद दे जी रहे हैं मनुख दुख दे जी रहे हैं क्योंकि समस्यावां दे जी रहे हैं बेचैन है दुखी है हर मनुख का चेहरा दसदा है कोई ना कोई चिंता हर मनुख दी अखां दसदियां कोई ना कोई परेशानी है हर मनुख दे तर्जे जिंदगी दसदी कोई ना कोई औकड़ और गुरु नानक ते मनदे ने सारे जगत दे सवाए दुख तो होर कुछ नहीं बाली रोवे नाए बता नानक दुखिया सब संसार तो फिर इस तो छुटकारा किवें होवे या ते ऊपर उठ जाइए संत बन जाइए या फिर थले चले जाइए पशु बन जाइए गुस्ताखी माँ मनुख पशु हो सकता है मनुख संत भी हो सकता है मनुख मनुख की तरह भी जी सकता है पशु केवल पशु की तरह जी सकता है मनुख की तरह ने संत केवल परमात्मा की तरह जीवना है ईश्वर की तरह जीवना है वो तो ईश्वर का रूप है उन्हें थले आने की की लोड़ है मनुख है एक पशु की तरह भी जी सकता है जो पछड़ जाए एक संत की तरह भी जी सकता है जो ऊपर उठ जाए एक मनुख की तरह भी जी सकता है ना पिछे जाए ना ऊपर उठे पर जे मनुख की तरह जीवेगा तो बेचैन परेशानी दुख संताप कलेश फिर हर युग दियां अपनियां समस्यावां होंदियां ने महाराज कहने ते योगी कला लई योग है हर मनुख विचारां दियां ऐसियां छुआवां बाहर छोड़दा है गलत जिहनूं ओरा कहिंदे ने आभा कहिंदे ने हर मनुख दी अपनी आभा होंदी है जिस मनुख दी सुरत शब्द नाल जुड़ गई है विचारक कहते हैं उसकी आभा घट तो घट 10 किलोमीटर तक प्रभावित करेगी मैनू कहना तो नहीं चाहिए सी 2-3 साल पहले इतने एक सज्जन मैं मिले 2-3 दफा चानना हो गया सी मैं उन्हें कहा सी वाहेगुरु मंत्री जी जपया फिर परसों आया मेरे कोल पैण संत कौर मेरी बैठी हुई सी कहने ज्ञानी जी सुरत शब्द नाल जुड़ी तो मैं 4-5 फुट उपर उठ गया तो मैं तो घबरा गया एक ही हो गया तो मेरा सिर ते नहीं फिर गया इन्ना मैं डर लग्या मैं फिर थले आ गया उस दिन तो बाद मेरी खेड नहीं बनती आपकी ज्ञातली अर्ज करा सब तो पहले न्यूटन ने खोज की थी जमीन हर चीज नू अपनी तरफ खिंचदी उन्हें दरख्त तो गिरदे हुए सेब नू देखा ये सेब थले गिरे उपर क्यों नहीं गया जमीन खिंचदी हर चीज नू खिंचदी भारत के अवतार गुरु पीर पैगंबरां दी समझ दे आया ये जमीन सिर्फ पदार्थ नहीं खिंचती सिर्फ मनुख के तन ही नहीं खिंचती
मनुख की सुरत नूं भी खिंचदी है थले गिरां दी। अगर कोई नाम जपदा सुरत उपर उठती है तो थले कौन गिणांदा है। अगर धन की याद आ गई है तो धन तो जमीन चो ही आता है और कितों आता, सब कुछ जमीन देती है। रूप जमीन का हिस्सा है, धन जमीन का हिस्सा है। जो कुछ असी खाते हैं हंडाते हैं वरतते हैं सब कुछ धरती तो आता और कितों आता है, जमीन खिंचती है। मनुख की सुरत नूं भी खिंचती है। जब असी कहने योगी भ्रष्ट हो गया है, ये अभ्यासी भ्रष्ट हो गया है, भ्रष्ट होने का मतलब की है, सुरत उपर जा रही सी जमीन ने खिंच लिया, थले गिराया, पछाड़ के मारे, भ्रष्ट हो गया। जमीन हर चीज नूं खिंचती है, मनुख की सुरत नूं भी खिंचती है। कहिंदे ने जमीन की कशिश का दायरा, खिच का दायरा कोई 400 मील तक है, उस तो उपर जड़ी चीज चली जाए फिर जमीन नहीं खिंचती, नहीं खिंचती, ये जमीन नहीं खिंचती, फिर वो उपर की कशिश दे चली जाती है। महाभारत का एक प्रसंग है, दसम ग्रंथ धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दर्ज किया है, उसने कृष्णा अवतार विच, दसम ग्रंथ विच रामा अवतार है, कृष्णा अवतार। तरा तीरखे भीम हस्ती चलाए, फिरे मद वैणे अजोलो न आए। भीम सैन नु इतना क्रोध आया, उन्हें अपनी पूरी शक्ति वरती, मंत्रां दे जप नाल जिहड़ी उसनों सिद्धि प्राप्त सी उसनों वरतिया। विरोधी जिहड़े हाथी ते बैठे सन, उन्हें हाथी नू हथ नाल चुकिया ते उपर मारिया। इंज महाभारत दी गल, हाथी जमीन की कशिश दे दायरे तो उपर चला गया, अजे तक नहीं आया। कलगीधर पातशाह भी इस तरह लिखते हैं, बोल फिर सुन लेना। तरा तीर के भीम हस्ती चलाए, फिरे मद देने अजोलो ना आए। वह हाथी अज तक नहीं आया, उपर की कशिश दे चला गया। जमीन की कशिश का दायरा सिर्फ 400 मील तक, उस तो जब कोई उपर चली जाती है चीज, कुछ भी चला जाए, जमीन नहीं खिंचती, यदि कशिश घट जाती है। आकार नू ते जमीन खिंचती है, भारत दे संतां दी पकड़ दे छाया विचार नू भी खिंचती है, सुरत नू भी खिंचती है, मनुख की अकल नू भी थले गिरा, समझ नू भी थले गिरा। धन याद आ गया, प्रभुता याद आ गई, रूप याद आ गया, जमीन का हिस्सा है, जमीन खिंच के थले गिरा दें, पछाड़ के रख दी। कशिश चो निकलना बड़ा औखा है। जब किसी की सुरत शब्द नाल जुड़ जाती है, इस जमीन की ग्रेविटेशन कशिश का दायरा घट जाता है और मनुख हौला फुल हो जाता है। जमीन तो 2 फुट 3 फुट 4 फुट किसी हद तक 10 फुट तक उपर उठ जाता है। मैनू कहना नहीं चाहिए, एक सज्जन थोड़े इत बड़ी खेड बन गई उसकी। इस तरह के मैं अपनी जिंदगी 15-20 देखे, एक कानपुर भी है, एक इंदौर भी है, एक मैं बंबे देखा। टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी चलाना छड़ दिता, फिर वो चला गया होशियारपुर तो गिर रहा है, बड़ी खेड उसकी बन गई। पत्नी डर जाती सी बई एदों के सिर छत नाल जा लगता है, उपर उठ जाता है। की होंगे, जमीन की कशिश घट जाती, शरीर हल्का हो, जमीन खिंचती नहीं, उस उपर उठ जाता है। वासना है पदार्थ दी, पदार्थ सब धरती है, वासना है रंग रूप दी, रंग रूप सब धरती है, वासना है धन दी, धन सब धरती है। जमीन खिंचती है, मनुख की सुरत नू भी खिंचती है, मनुख के ध्यान नू भी खिंचती है। जब ये वासना मनुख के अंदर नहीं रह जाती तो जमीन का खिंचाव उस मनुख के घट जाता है।
अजे साइंस इस नूं पकड़ेगी, साइंस की समझ च अजे गल नहीं आई, इतनी तो आई है कि आकार नूं खिंचदी है, हर चीज नूं जमीन खिंचदी है, पर मनुख दे विचार नूं भी खिंचदी है। बड़ी उच्ची सोचने वाला सी थले आ गया, बड़ा वड्डा गुरमुख सी मनमुख हो गया, बड़ा वड्डा सदाचारी सी दुराचारी हो गया, बड़ा वड्डा शांतमई सी क्रोधी हो गया, खिंच लैंदी जमीन थले पछाड़ के गिरा देंदी। आपकी गैथलीयस करा उंगलियां ते गिड़े जाने वाले इस तरह के पुरश होंगे ने और हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों च भी हैं, सिंघा च भी है, दास ने हर तबके च देखे। ये भी मैं करा, मैं बचपन का इस लैन देखा, अज का नहीं है, देश की जब वंड हो तो मैं 12 साल का सी, इन्हों अखा नाल मैं कतलेआम देखा। जिस ट्रेन दे मैं आया असी 12-13 बंदे बचे, बाकी जी सब कतल हो गए, सब कतल हो गए। मैं बड़े खून खराबे छोटे होंदे देखे किस तरह जिंदा मनुखा नूं जलाया जा रहा, मकानों के मकान सड़ गए, किवें असी निकले। अलवर दी चाहे वो ट्रेन गवर्नमेंट ने अलवर भेजी साढ़े, भेजे जिन्ने बंदे ने उत्थे सैट करो। अलवर स्टेट सी, महाराजा मिलन वास्ते आया, बड़ी हमदर्दी जताई, जिहड़े छोटे बच्चे सन कहना स्कूल भेजिया करो, फीस भी माफ, किताबां भी मिलनगियां, यूनिफॉर्म भी मिलेगी, होर भी सहूलत। मैं भी गया पहली क्लास बिठाया, मैं कह मैं 6वीं का 7वीं का विद्यार्थी हाँ, 6वीं पास करके मैं 7वीं च बैठा सी, मैं पहली च बिठाना। कहने लगे तेनों संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, इतने हिंदी मीडियम है, तू जिथे पढ़ता रहे उर्दू मीडियम से, उत्ते परशियन मीडियम से, इसे पहली तो चलना पड़ेगा। मैं दूजे दिन नहीं गया, फिर मैं व्यंगम हो गया, एक लौता लड़का सी तो मैं निकल गया, मैं बड़िया ठोकर फिर खादिया, फिर साधुओं के चक्कर च मैं गया, और मैं फिर बड़े बड़े साधु देखे, मैं निर्मलिया नाल रहा, उदासिया नाल रहा, बैरागिया नाल रहा, निर्मल अखाड़ा बनारस दे। फिर मेरी टारस बजी जब मैं कई की सुरत उची देख, कई की खेड देख, कई की साधना नु भाग लगदिया देख, मैं खेड है ते सही, सागर दे कदी कदाई कोई कद किश्ती डुबदी है, बाकियां ते पार हो जांदियां ने, पर संसार सागर दे ते जिंदगी दियां बेड़ियां बहुतियां डुब जांदियां ने, कोई एक कद पार होंदी है, ते इस तां ते पार होए पुरश मैं देख। तारस बजी है इह वी इक दुनिया, क्योंकि फ्रंटियर दा इलाका धार्मिक इलाका सी, बच्चा सवेरे जपजी साहब दा पाठ पूरा ना कर लवे ते रोटी नहीं मिलदी सी, इह वी मैच करदे। शाम को गुरुद्वारे गया नहीं, रैराज साहब के शामिल ने, वह एक एक पंक्ति रैराज साहब की पढ़ती सी, सारी संगत लैन लग के शामिल नहीं होया, रोटी नहीं मिलती सी, बड़ी सख्ती सी उस पासे, बच्चों को बड़ी हिदायत होंगे सन, तो धार्मिक संस्कार तो है सन। इस हिसाब न मैं इस तरह की दुनिया देखी है, और इस देश दे भी कुछ बंदे देखे। एक बंदा मैं कनेडा च भी देखा, वैनकूवर में, हो सकता किसी होर शहर च भी होगा, पर सिंगा दे च मैं कनेडा च भी देखे, एक देखे, भावें आबादी बहुत वड्डी है। अमेरिका च मैंने देखने को नहीं मिलेगा, हाँ रोशनी हो गई, झलक मिल गई, इस तरह के एक दो जीव ने देखे। लेकिन कशिश इतनी घट गई, सुर इतनी उच्ची उठ गई, और जमीन की कशिश ही नहीं रही, ऊपर उठ जान। इस तरह के लोग देश दे के अजे काफी तादाद ने, विदेश दे भी टावा टावा कदी कदी। उस मित्र नूं मैं कहा तू जिहड़ा डर गया ना, कीता कताया
तू कई महीनों का गवा छड़िया। आपकी ज्ञात लिए अर्ज करा, जब सुरत शब्द नाल जुड़न लगती है तो पहले इंज प्रतीत आता जिमें मौत आ रही है। पता है क्यों? पुराना सारा ढांचा खत्म होता है, पुराने सारे संस्कार खत्म होते, नवा जन्म आता है। उन्होंने इस वास्ते कहते हैं द्विज हो गए, इसका दूजा जन्म हो गया, पहली जिंदगी मिट गई, खत्म हो गई। वो मिटती हुई इस तरह दिखाई देती है जिमें मौत, तो मनुख घबरा जाता है, वो भी किधरे घबरा गए, अखा उन्हों बाराइया सन, कह लगे हम मेरी खेड नहीं बनती, मैं कि तू घबरा गया, घबराना ने जो होंदा सी हुण ते। पर मैं उसनू कहिंदा पिया सी, पर मैं तो देखे चंगे चंगे घबरा जांदे ने, दिसदे च मौत आई, खत्म खत्म, वाकई खत्म होंदा है मनुख, पुराने संस्कार खत्म होंदे ने, पुराना ढांचा खत्म होंदा है, जन्मां जन्मांतरां दे पए होए पद्धर खत्म होंदे ने, एक नवी जिंदगी का जन्म आता है जिन्हों कहते हैं परमात्मा की जिंदगी, प्रभु का जन्म आता है, ईश्वरी आनंद का जन्म आता है, महारस का जन्म आता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।